स्पोर्ट्स जगत में आज की टॉप 10 खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए हम आज की कुछ टॉप स्पोर्ट्स खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, टीम इंडिया को बेंगलुरु टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कीवी टीम ने शानदार जीत के साथ ही 1-0 की लीड बना ली। अगली खबर, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को इंडिया की सरजमी पर 36 साल बाद कामयाबी मिली है। कीवी टीम को पिछले 3 से भी ज्यादा दशक से इंडिया में टेस्ट जीत नसीब नहीं हो रही थी, आखिरकार 36 साल बाद वो रिकॉर्ड टूट गया। अगली खबर, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने जीत के बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टीम इंडिया नंबर 1 पर बनी हुई है, लेकिन वहीं कीवी टीम ने जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका को पीछे कर 4th नंबर पर आ गई है। अगली खबर, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्ट्री बना दी है। शेसेल्स के खिलाफ खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 7 विकेट पर 286 रन का स्कोर खड़ा कर T20 इतिहास का 3रा सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है। अगली खबर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ओपनर बैटर ट्रेविस हेड पाकिस्तान के अगेंस्ट होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर हो चुके हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार के साथ ही एक खराब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। घर में ये उनकी अंडर 3री हार रही है और इसके साथ ही धोनी और गांगुली की बराबरी कर ली। अगली खबर, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर से झटका दे सकती है। इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज से बाहर करने के बाद अब इन दोनों ही स्टार प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से भी बाहर रखा जा सकता है। अगली खबर, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान बांग्लादेश टीम के दिग्गज प्लेयर शाकिब अल हसन नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह टीम में मेहदी हसन मिराज ले सकते हैं। बांग्लादेश के कैप्टन शांतो ने इस बार का इशारा किया है। अगली खबर, न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद अब KL राहुल का पुणे में होने वाले टेस्ट में बाहर किया जा सकता है। राहुल ने इस टेस्ट में काफी खराब परफॉर्मेंस किया है और वो 0-12 रन के स्कोर ही बना सके। आखिरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बेंगलुरु टेस्ट मैच की हार के बाद टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर मिली है। मैच के खत्म होने के तुरंत बाद ही टीम के स्टार बैटर शुभमन गिल ने नेट प्रैक्टिस करने ग्राउंड में उतरे। ऐसे में ये इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।